सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। व्यक्ति को हर 2-3 घंटे में अपने आप को रिलैक्स करना आना चाहिए। मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोगों के माथे पर तोरियाँ पड़ जाती हैं, किसी किसी को तो निशान हो जाते हैं। हमारे माथे की कंडीशन ऐसी हो जाती है, हमको तो वो तोड़ियाँ डालनी भी नहीं आती हैं, किसी किसी को 1-2-3 लाइन हो जाती है। ऐसे माथा ऐसे नहीं होना चाहिए, तनाव हुआ रिलैक्स होना चाहिए, आंखों में तनाव नहीं होना चाहिए। मैंने देखा कुछ लोग ऐसे आंख भी बंद कर लेते हैं ना, तो उनकी आंखें पुतलियों के अंदर ही चलती रहती हैं। आप एक बार सच में ट्राई करके देखो तो आप आंख तो बंद कर लेते हैं, पलक के अंदर पुतली चलती रहती है। इसका मतलब आप शांत नहीं है। सीखो शांत होना। चेहरे पर अच्छी भाव भंगी मां नहीं होती है। हमारा चेहरा, हम चाहे कितने दुनिया की दृष्टि से छोटे आदमी कहलाते हो या कितने ही बड़े एडवोकेट बन जाएं, पूरे देश के एडवोकेट जनरल बन जाएं, कितने बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में हम आदमी बन जाएं, पॉलिटिकल सेक्टर में, सोशल स्पिरिचुअल सेक्टर में, अपनी सहजता नहीं खोनी चाहिए। अपनी निजता को खो के हमें कुछ नहीं होना है, सहज रहना। माथा, आंखें, चेहरा सहज रहे हमारा, इसके लिए आपको 1 मिनट की प्रैक्टिस करनी होती है। 1 मिनट की, ये 1 मिनट का मेडिटेशन आप हर 2-4-5 घंटे में करते रहिए तो आपको तनाव नहीं होगा। आप एडवोकेट हैं, आप अधिवक्ता हैं, हम वक्ता हैं, बस इतना ही अंतर है। हमारे शास्त्र में जो प्रार्थना की जाती है, अवतु माम अवतु वक्तारम, हम लोगों को जो साधु संत महात्मा होते हैं इनको वक्ता कहा जाता है, आपको अधिवक्ता कहा जाता है। और महात्मा गांधी जी एडवोकेट थे, नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, कितना शौर्य पराक्रम था कि 565 रियासतों को एक करके एक अखंड भारत बनाने का कितना बड़ा महत्वपूर्ण काम किया बाबा साहेब अम्बेडकर से लेकर के हम आज़ादी के महानायकों को देखते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ी भागीदारी एडवोकेट्स की थी। और हमारे सिंह साहब कह रहे थे कि करीब आधी संख्या जिस समय पहली संसद भारत की गठित हुई तो उसमें एडवोकेट्स की थी। इतनी बड़ी ताकत आप लोगों की पहले भी थी और आज भी करीब 15-20 लाख के बीच में हमारे एडवोकेट्स भाई होंगे पूरे देश भर में। छोटी कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, निचली अदालत से लेकर के उच्च और उच्चतम न्यायालय तक आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। यद्यपि करीब 3.5 करोड़ के से 4 करोड़ के बीच में केसेस पेंडिंग रहते हैं, उसके लिए तो एक पूरा एक अलग मैकेनिज्म है कि उसको किस तरह से ठीक किया जाए, लेकिन इतनी बात जरूर है कि हमारे एडवोकेट्स भाइयों के ऊपर बहुत बड़े दायित्व होते हैं और उसमें छोटे वालों को अलग तरह का तनाव होता है। छोटे वकील की आमदनी बहुत थोड़ी होती है, जो निचली अदालत वाला होता है 2-4-5 हज़ार रुपये में, 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा उसको एक केस के नहीं मिलते हैं। हाई कोर्ट तक पहुँचते 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक हो जाती है उसकी फीस। किसी छोटे एडवोकेट के मन का अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, उसका घर गुजारा थोड़ा मुश्किल होता है, और बड़े एडवोकेट की घरवाली का बड़ा मुश्किल होता है।
क्योंकि वो घर में रहता ही नहीं है, और घर में भी रहता है तो उसका दिमाग केसों में ही चलता रहता है। बहुत तरह की और चुनौतियां अलग तरह की हैं। अब देखो, आपका पेशा कुछ ऐसा है कि कुछ सच के साथ में खड़ा होना पड़ता है, इसको झूठ के साथ में खड़ा होना पड़ता है। यदि इसको गीता की भाषा में कहें, ना कुछ धर्म है, ना कुछ अधर्म है, ना कुछ पाप है, ना कुछ पुण्य, अपना कर्तव्य निभा रहे हो, इस भाव से सेवा करो तो संतुष्टि रहती है। नहीं तो किसी गलत केस को लड़ते समय अंदर से आत्मा में बड़ा अंदर से एक वेदना होती है, एक संघर्ष चलता रहता है अंदर अंदर कि तू कानून के हिसाब से लॉजिक तो दे रहा है लेकिन ये आदमी तो गलत है, इसने मेरे को सब बता रखा है। तो गलत आदमी का केस लड़ने का भी एक तनाव होता है, और कई बार अच्छे आदमी का केस लड़ रहे होते हैं लेकिन उसके पास एविडेंस नहीं होते हैं, तो उसके हारने का भी, उसके पराजित होने का एक भय का भी तनाव होता है। तो एडवोकेट खुशी किसमें मनाए, बस वो कानून के अनुसार अपना पक्ष रखता रहता है और कई बार उसमें जीवन बड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। खैर, आज हम लीगल एस्पेक्ट की ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम योग की बात करेंगे, और योग की बात में दो तीन बातें आपसे जरूर कहेंगे। जैसे सब लोग दशांश दान करते हैं तो सभी हमारे एडवोकेट भाई 10% गरीब लोगों के मुकदमे जरूर मुफ्त में लड़ा करें, उससे आपकी आत्मा को संतोष होगा। और कुछ लोग इसको फॉलो भी करते हैं, मैंने सामान्य वकीलों से लेकर के जो बहुत बड़े जाने माने वकील माने जाते हैं देश के, उनको भी देखा है, कुछ ऐसा करते भी हैं। जो नहीं करते वो इसको करेंगे तो आपको संतोष भी होगा, और सच में जेलों से लेकर के और आम जो लोग कचहरियों के चक्कर काटते हैं, हर 10वां आदमी कचहरी के चक्कर में पड़ा है, इसकी सारी रिपोर्ट्स मैंने भी पढ़ी हैं, क्योंकि सभी सोशल सेक्टर्स के बारे में मैं स्टडी करता रहता हूं, जब कोई खास बात आती है तो उसको देखता भी हूं। तो 125 करोड़ के लोग हिंदुस्तान में, 10 करोड़ से ज्यादा लोग वकालत के चक्कर लगाते हैं, और उसमें जो जेलों में पड़े हुए लोग हैं, करीब 50% लोगों का अलग अलग जगह, माने 30-50% लोग तो निर्दोष वहां पर पड़े हुए होते हैं, उनकी कोई सुनवाई भी करने वाला नहीं होता है। और दूसरी बात, मैं इस संदर्भ में एक और कहना चाहूंगा कि कुछ इस तरह की चीजें हैं जो रिसर्च की बात आती है, कुछ इसमें क्रिएटिव काम करने की बात आती है, बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं हिंदुस्तान में जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जिसमें एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ऐसे सैकड़ों संदर्भ हैं। जैसे आप वकील लोग भी, वकीलों की घरवालियां भी, आपके परिवार में भी बालों के लिए तेल यूज होता है, और उसमें 60-99% किसी में तो 99% डाल देते हैं कुछ, 60-99% पैराफिन होता है। पैराफिन में के ऊपर पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हुआ है कि वो कैंसरस होता है। चूहों के ऊपर प्रयोग करके देखा तो चूहों की स्किन के नीचे ट्यूमर डेवलप हो गया और कैंसर डेवलप हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में तो कोई 1,000 करोड़ रुपए का कारोबार खाली एलएलपी बेच के हो जाता है, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो, चाहे फूड प्रोडक्ट हो, चाहे वो खाने पीने ड्रग के रूप में इस्तेमाल होने वाले तंबाकू गुटखा आदि, उसके ऊपर तो बहुत काम चल रहा है, इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो उसमें कानून की दृष्टि से इस समाज को अच्छा बनाने में जो समाज में गलत चल रहा है, तो उसके लिए आपके पास में बहुत बड़ा अस्त्र है कानून। देश कभी भी राजनीतिक पार्टियों से नहीं चलता है, देश कानून से चलता है। राजनीतिक पार्टियां उस कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए होती हैं या नई पॉलिसी बनाने के लिए होती हैं, तो उस कानून में तो बहुत बड़ी भागीदारी आप लोगों की हो सकती है। और एक अंतिम बात इसकी कह के फिर योग की बात करूंगा। बहुत से ऐसे पहलू मेरे सामने आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमारे एडवोकेट्स भाइयों को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। तो अब मुंबई और दिल्ली इस बारे में बहुत बड़े स्थान हैं, और यहाँ की कोई भी बात उठती है तो उसकी मान्यता भी पूरे राष्ट्र में होती है और विश्व में
वो बात गुंजायमान होती है। तो मेरे भी संज्ञान में कोई ऐसे बहुत से विषय हैं, उनको भी हम आपकी सेवा इस संदर्भ में जरूर लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम आपको योग के संदर्भ में तो अभी बात करेंगे ही। कानून एक बहुत बड़ा विषय है, मैंने कहा देश कानून से ही चलता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान का कानून, जिसको यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, भगवान का कानून, भगवान का विधान, उसका हमें कभी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। और देश के कानून और संविधान का भी हमें कभी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जो इसका अतिक्रमण कभी नहीं करेगा उसको जीवन में कभी कोई दुख नहीं होगा, ये गारंटी की बात है। भगवान का विधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, यूनिवर्सल लॉ, कुछ भी इसको बोले, वेद का विधान, अलग अलग संज्ञा हम दे सकते हैं, या हमारे देश का कानून और संविधान, बस इन दो को हमने पालन किया ना। आज हम बेधड़क इसलिए हैं कि भगवान के अनुग्रह से, कुछ अपने बड़ों के आशीर्वाद से, जीवन में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी भगवान के कानून को तोड़ा हो या देश के कानून और संविधान का उल्लंघन किया हो, तो इसलिए सुखी हैं। बाकी तो ये छोटे मोटे संघर्ष चलते रहते हैं, इसकी कोई परवाह नहीं। अब योग की बात करता हूं। देखो कई बार लोग सोच लेते हैं, अरे हम तो एडवोकेट हैं, हमें कोई मॉडलिंग थोड़ी करनी है, तो ये पेट बढ़ जाए, शरीर बढ़ जाए, मोटापा आ जाए, ठीक है, तो लाइफस्टाइल डिजीज है, ब्लड प्रेशर, शुगर, तो ये तो सभी को हो रही है, मुझे होगी तो क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमको मॉडलिंग नहीं करनी, लेकिन हमारा मॉडल मॉडलिंग करने वालों से अच्छा रहना चाहिए। तो कोई बाबा जी को मॉडलिंग करनी है क्या? हम अपना मॉडल अच्छा रखते हैं, हम कहते हैं भुजाएं उभरी होनी चाहिए, सीना उभरा हुआ होना चाहिए, पेट कसा हुआ होना चाहिए, कमर कसी हुई होनी चाहिए, सब पूरी बॉडी बैलेंस होनी चाहिए। किसी किसी के इधर 10-10 किलो बढ़ जाता है, 15-15 किलो की टांगे होती हैं, ये भी बहुत मोटे हो जाते हैं, पेट गोल मटोल आगे निकल आता है, ये सब ठीक नहीं रहता है। तो थोड़ा तो फूड पर नियंत्रण करें, खाने पर नियंत्रण, इसी अर्थ में कि आप ज्यादा ना खाएं, बैलेंस फूड, डिफरेंट प्रकार के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन्स जो उपलब्ध हैं, मिला जुला खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 8 बजे, थोड़ा थोड़ा, 3 बार खाएं या 4 बार खाएं, ज्यादा एक बार खाने से मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है। और सब प्रकार के सात्विक आहार को लीजिए, राजसिक तामसिक आहार नहीं, सब प्रकार का सात्विक आहार थोड़ा थोड़ा लीजिए, और मेरी तरह से एकदम हेल्दी रहिए, थोड़ा थोड़ा खाइए। जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है थोड़ा गर्म पानी पीजिए, और सुबह सुबह योग कीजिए। योग में सबसे सिंपल है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम। तो एक तो ये, जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, हर्निया है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, थोड़ा धीरे धीरे करना, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, सभी प्राणायाम धीरे धीरे करना एक्सरसाइज। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फास्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा सोचने विचारने की बात नहीं। योग के नाम से कोई खौफ, कोई भय, कोई डर, कोई आशंका, किसी भी तरह का कंफ्यूजन अपने मन में रखने की जरूरत नहीं है। योग बहुत सिंपल है। कुछ लोगों ने योग को इतना ज्यादा इसके बारे में उल्टी पुल्टी बातें कर रखी है, हर चीज को रहस्यपूर्ण बनाया हुआ है, हर चीज एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो ऐसे योग भी एकदम बहुत साफ सुथरी विद्या है, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है, बहुत सहज विद्या है, ये जीवन की विद्या है। तो इसको आप जो मजबूत है वो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, जिनको कोई शरीर में व्याधि विशेष है थोड़ा धीरे कर सकते हैं। तो आप इस वजह से फास्ट भी कर सकते हैं सभी प्राणायाम, तो एक ही मिनट में आपको पसीना आने लगेगा और मन आपका शांत हो जाएगा। एक तो भस्त्रिका हुआ, इसके बेनिफिट्स आदि सब देखते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके बता देता हूं। दूसरा कपालभाति, Thank you.
एक सेकंड में एक बार सभी कर सकते हैं, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर दर्द है। हाँ, जो जवान है, यंग है, कोई बीमारी नहीं है तो फास्ट कर सकते हैं ऐसे। जो यंगस्टर्स है वो फास्ट करना है तो एकदम पूरा इंटरनल एक्सरसाइज हो जाती है पूरी बॉडी की। अब कोई एक्सरसाइज कर लीजिए, दौड़ना, तैरना, घूमना, खेलना, कूदना, कोई एक्सरसाइज कर लो, लीवर को डायरेक्ट एक्सरसाइज किसी भी तरह की एक्सरसाइज से नहीं मिलती। ये लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, किडनीज, पुरुषों का प्रोस्टेट, माताओं का यूट्रस, और इसी की प्रॉब्लम आफ्टर 40 सबको होती है, थोड़ी बहुत सबको होती है, 100% बोल रहा हूं। मैं तो बहनों को यूट्रस में फाल्स ओवरी में सिस्ट, फॉरेस्ट रिकॉर्ड या किसी भी तरह की मेंस्ट्रुएशन की इंबैलेंस या तो हार्मोनल इंबैलेंस आफ्टर 40 to 50, ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है। पुरुषों का 100% लोगों को प्रोस्टेट की या एक्सक्रेटरी सिस्टम की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। प्रोस्टेट इनलार्ज होना, दिस इज कॉमन प्रॉब्लम। ये आफ्टर 40 आपको यही प्रोटेक्ट करेगा और कोई आपके लिए साधन नहीं है। किसी को विटामिन्स के डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की, विटामिन डी, विटामिन बी12, कैल्शियम, आयरन और विटामिन ए, बी, सी, डी, डिफरेंट प्रकार के न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस के डेफिशिएंसी, उससे मुक्ति दिला। कपालभाति करने से ना अपने इंटेस्टाइन, लीवर, पूरा डाइजेशन सिस्टम एकदम हेल्दी रहता है। 5 मिनट तो सबको करना है, किसी भी कीमत पर, कुछ भी हो जाए, से सो के सो, प्रलय हो जाए, एक नियम बना ले कि मुझे सुबह सुबह थोड़ा योगा अभ्यास जरूर करना है। मान लीजिए कोई जेनेटिकली किसी को बहुत ओबेसिटी के प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, थोड़े मोटे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिस्टम ठीक रहेगा। जैसे किसी को बहुत ज्यादा जेनेटिकली मोटापा होता है, अब माता पिता बहुत तगड़े तगड़े एक एक क्विंटल के हैं तो बच्चा 80 किलो का तो होगा ही ना, परेशान होने की क्या बात है। अच्छे खानदान के लोग हैं, आपके सीड बहुत जबरदस्त हैं, तो जैसे सीड होते हैं वैसे फसल तो होती है। तो किसी को जेनेटिकली थोड़ा मोटापा भी हो तो अंदर से सिस्टम ठीक रहेगा। एक होता हमारा हार्डवेयर जो ऊपर से दिखता है, एक होता इंटरनल सॉफ्टवेयर, तो इंटरनल सिस्टम। अब देखो अंदर किडनी कहां है, इतनी अंदर है, देखो यहां किडनी अंदर, जो इतने डीप में किडनी है अंदर, उसको कैसे एक्सरसाइज होगे? मैंने एक डॉक्टर से पूछा, आजकल कई तरह के डॉक्टर होते हैं ना, डायबिटीज वाला डायबिटिशियन होता है, फिर अलग अलग तरह का, आजकल एक्सरसाइज वाला भी एक डॉक्टर होता है ना, फिजियोथेरापिस्ट। मैं एक फिजियोथेरापिस्ट से बोला, मैंने कहा तुम उंगलियों की तो एक्सरसाइज ऐसे कराते हो जैसे हम कराते हैं, वो भी ऐसे कराते हैं कंधों की एक्सरसाइज, फिर एक एक उंगली की ऐसे गर्दन की, कंधों की, वो ही एक्सरसाइज कराते हैं, बस थोड़ा उनको ठीक से योग सीखा नहीं हुआ इसलिए उसको फिजियोथेरेपी बोल दिया। जो थोड़े बेपढ़े लिखे लोग होते हैं तो योग के बारे में थोड़ा, जो थोड़ा कम जानकारी रखते हैं वो फिजियोथेरेपी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया चलो तुम बाकी टांग की भी एक्सरसाइज बताते हैं, कहीं टांग में चोट लग जाए, ऑपरेशन के बाद भी रिहैबिलिटेशन के लिए बताते हैं, क्योंकि एक अलग सब्जेक्ट है वो मेडिकल साइंस में भी, उसकी एक गरिमा है। कमर के लिए भी कुछ वजन वजन लटका देते हैं। मैंने कहा बताओ किसी को किडनी की एक्सरसाइज करनी हो तो कैसे करेंगे? तो मेरी तरह वैसे देखने, बाबा ये तो आउट ऑफ कोर्स है, हमें पढ़ाया ही नहीं गया कि किडनी की भी एक्सरसाइज हो सकती है। ये किडनी की एक्सरसाइज है, ये लीवर की एक्सरसाइज है, ये पेनक्रियाटाइटिस और पेनक्रियाज के तमाम, पेनक्रियाज में भी स्टोन होने लग गया, किडनी में स्टोन, पेनक्रियाज में स्टोन, कहीं पर भी स्टोन आते हैं। एक को तो गले में स्टोन हो रखा, कहीं पर भी कैल्शियम डिपॉजिट होता था स्टोन बन जाता है, कहीं पर भी फैट सेल डिपॉजिट हो जाते हैं सिस्ट बन जाता है, फिर उसमें कैंसर हो जाता है। ये
ये लिवर की एक्सरसाइज, स्प्लीन की, इंटेस्टाइन की, पेनक्रियास की, यूट्रस की, ओवरी की, प्रोस्टेट की, थायराइड की, पैराथायराइड की, लंग की, हार्ट की एक्सरसाइज कितनी बढ़िया है। जो ये नहीं करेंगे तो उनको गैस बनेगी, ऐसे गैस छोड़ते रहते हैं। और नीचे से दो बम पटाखा छूटता है और मोटा आदमी कुर्सी पर बैठा बैठा जब थोड़ा बहुत ऐसे करवट से लेना तो सोच लो कि कोई कार्रवाई कर रहा है। करवट ले ले करके हम मारते रहते हैं गैस, लेकिन कपाल भाती नहीं करेंगे। अरे भाई ये कर लो, थोड़ा मेरा हंसने हंसाने का स्वभाव है, खुश रहना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग हंसते ही नहीं, घरों में हंसते नहीं, एक दूसरे को ऐसे घुराते रहते हैं। पहले तो कहते हैं कि हमारा तुम्हारा पता नहीं कितने जन्मों का प्यार है, बाद में कहते हैं ये अंतिम जन्म है।